तो दोस्तों अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे अकाउंट को डिलीट करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे जिस भी अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हो उसको आप लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर। प्रोफाइल पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थ्री लाइन्स मिलेंगे ए वाले, तो थ्री लाइन्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पर यहाँ हुआ बिल्कुल भटकना नहीं है आपको। सीधा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, तो सिंपल से आपको ए वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेट और डिलीशन का, तो आपको ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, ये लोडिंग लेगा और उसके बाद आपके सामने हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट दिखाई दे, तो आपको जो अकाउंट डिलीट करना है उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए यहाँ पर मेरे पास एक ही अकाउंट दिखा रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस और आ जाएंगे। तो अगर आप इसको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए ही बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कोई भी एक रीज़न दे देना है कि क्यों आप डिलीट करना चाहते हो, उसका एक कोई भी एक रीज़न दे दीजिए। तो यहाँ पर अभी के लिए हम देखते हैं, तो चलो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन को फिर से क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने और एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद अभी आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपने सही अकाउंट डिलीट कर रहे हो या फिर नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपका यहाँ पर फिर से एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपको डिलीट करना है या फिर नहीं। तो आप पक्का कर लेते हो तो यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिलीट करने के लिए इतना टाइम मिल जाएगा, मतलब उसके बीच में आपको बिल्कुल भी अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है। आपको लगभग 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन के बाद आपका यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 30 दिन के अंदर कोई मन बदल जाता है तो आप वापस से लॉग इन करके अपने अकाउंट को वापस से चला सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक डेट मिलता है, उसके अंदर आपको अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल से अभी आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये प्रोसेस होगा और उसके बाद आपका जो डेट यहाँ पर शो किया है उसके अंदर आपका यहाँ पर मतलब लगभग 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा अकाउंट डिलीट हो गया और ये मेरा दूसरा अकाउंट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।